देश में जहां एक तरफ हर दिन बढ़ रही महंगाई से लोग परेशान थे और हर दिन कई जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, वहीं दीपावली में सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से महंगाई कम होगी, क्या जनता की परेशानियां कम होंगी। इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने लोगों से उनकी राय जानी। आप भी देखिए, आप भी सुनिए क्या लोगों ने कहा। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां आम जनता में काफी रोष था, वहीं अचानक आज 12 रुपए करीब डीजल पेट्रोल कीमतों पे घटने से लोगों को राहत नजर आ रही है। हमारे इसी को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्राहक हैं और यहां पेट्रोल डलवाने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो करीब पेट्रोल की कीमतों पर करीब 12 रुपए की जो कम हुए हैं, इसको लेकर उनका क्या कहना है। पहले क्या नाम है आपका? मेरा यादवेंद्र सिंह जादौन। यादवेंद्र जी, जो करीब 12 रुपए पेट्रोल की कीमतों में जो कमी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आदरणीय मोदी जी ने जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उस पर 12 रुपए की कमी करके आम जनता को बहुत राहत दी है। इससे आम जनता बहुत खुश है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था गरीब लोगों को, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ये एक गिफ्ट हो गया दीपावली का मोदी जी का आम जनता के लिए। इससे लोगों को बहुत राहत है और लोगों में बहुत खुशी है। क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतों जो कम हुई है, इससे कुछ और घरेलू सामान पर भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब तो आदरणीय मोदी जी से एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं कि वो जो गैस की कीमतों के दाम और बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ी और रोक लगाई जाए या उन्हें थोड़ा कम किया जाए, जिससे आम लोगों को और राहत मिल जाएगी। और मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबकी तरफ देखेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह तोमर है। राजवीर सिंह जी, आज जो पेट्रोल की कीमतों पे करीब 12 रुपए करीब कम हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? ये अच्छा ही है, सरकार ने जो है इस पे जो सब्सिडी दी है और इस पे रेट कम, इस पे जनता का फायदा, हम सबका फायदा है। और भी रेट कम होने चाहिए, होने से जो है सभी चीजें महंगी हो जाती है। और आज सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तो इससे महंगाई बढ़ रही थी, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सभी का ध्यान रख करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, जिससे मतलब सभी मतलब इससे लाभान्वित हो सके। आज 12 रुपए गिरे हैं पेट्रोल की कीमतों पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इसको मतलब इससे आम जनता को इससे इसका लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। इस जनता के बारे में इस विषय पे सोचना चाहिए, बहुत अच्छा कदम है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें जो करीब 12 रुपए में कम हुए हैं, इसको लेकर जनता ने अलग अलग राय रखी है। किसी का कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, उससे लोगों को राहत मिलेगी, आम जरूरत की चीजों पर जो महंगाई थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। वहीं लोगों ने इसको एक चुनावी जुमला भी बताया है। उनका कहना है कि ये चुनाव आने वाले हैं यूपी में, इसको लेकर ये पेट्रोल की कीमतें घटी हैं और चुनाव के बाद फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। वही जो पेट्रोल पंप के मालिकों का जो कहना है कि एकदम जो अचानक 12 रुपए करीब पेट्रोल पे कम हुए हैं, उससे उनको काफी नुकसान है। तो लोगों की अपनी अलग अलग राय है। तो फिरोजाबाद से न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल के लिए किशन चंद। इस समय पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जिस तरीके से जो सूबे में योगी सरकार है और लगातार पेट्रोल और डीजल की जो लगातार जो दाम बढ़ रहे थे, अब सरकार ने कुछ राहत दिलाई है, कुछ रेट जो हैं कम हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम भैया आपका? अजय पाल। अजय पाल जी, जिस तरीके से जो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही थी, हाँ जी, कुछ कम हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे जी अच्छा लग रहा है, डाउन हो गया तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अभी क्या रुपए लीटर तक पहुंच गया था जो पेट्रोल के जो दाम थे, वो कितने रुपए तक पहुंच चुके थे? अब कितना अभी तो मेरे ख्याल में 106 हो गया था, अभी आज 95-17 है। आज तेल की कीमत कितनी हो गई, लगभग कितना डाउन? 12-13 रुपये कम हो गए। 12-13 रुपये कम हुए। अभी और क्या चाहते हैं आप? और चाहते हैं और कम हो जाए, अच्छी बात है।
और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है साहब। हरपाल जी, जिस तरीके से जो लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दामों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही थी, अब हाल फिलहाल में सरकार ने जो है कुछ राहत दिलाई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है साहब, 12-13 रुपये उतर रहे, 12-13 रुपये और उतरने चाहिए साहब, अभी और उतरना चाहिए। लगभग कितना जिसलिए किसानों के लिए राहत होनी चाहिए, कितना कीमत चाहते हैं कि कितना हो जाए? कीमत होनी चाहिए 70-75 के लपेट होनी चाहिए, 70 आ जाए जी, ये भी आप चाहते हैं जी। और भी लोगों से हम जानेंगे, क्या कुछ कहना उनका? कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी मनोज कुमार। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, अब कब कुछ कम हुए हैं, सरकार ने कुछ कम किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कम से कम 70 रुपये डीजल हो जाए, 70 रुपये हो जाना चाहिए, 70 रुपये डीजल और 70 रुपये पेट्रोल, 75 रुपये पेट्रोल। अभी जिस तरीके से जो दाम थे, जो 106 रुपये 107 रुपये पहुँच गया था, आज जो है 95 रुपये 17 पैसे हो गया। देखिए, वो हमारी जो भारत सरकार है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं, जो दोज के अनुसार उन्होंने डीजल पेट्रोल पे जो कमी की है, हम उनके आभार। अब जिस तरीके विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है, क्या लग रहा है कि चुनाव की वजह से है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार जो है इस समय भी है और आगे भी आएगी। जिस तरीके से हमने बात की लोगों से, जाना लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो पेट्रोल के जो दाम थे लगातार जो बढ़ रहे थे, पेट्रोल और डीजल जो आज की डेट में 106 रुपये हो गया था, आज अगर बात किया तो 95 रुपये 17 पैसे हो गया। लोगों का साफ तौर से कहना है कि कुछ और भी जो है कम होने चाहिए, 70-75 के आसपास जो है रेट आना चाहिए। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। लगातार देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगातार व्यापारी हों या फिर अन्य वर्ग हों, लगातार महंगाई से परेशान है और महंगाई का सामना कर रहे हैं। वहीं हाल ही में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं, और वहीं सब्जियों के दामों की बात करें या अन्य तमाम खाद्य पदार्थों की बात करें, तमाम जो खाद्य पदार्थों के दाम हैं वह अन्य चीज़ों के दाम हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। इस तरह से महंगाई में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता परेशान नज़र आ रही है, व्यापारी परेशान है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ व्यापारियों से बात करेंगे, आखिर किस तरह का व्यापार उनका प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरह वो इस महंगाई से सामना कर रहे हैं। इस वक्त हम इस मार्केट में आए हैं और मार्केट में इसी महंगाई को लेकर जायजा लेंगे, किस तरह की यहाँ पर जो मतलब व्यापार है वो चल रहा है, किस तरह की जो डिमांड है, कपड़े की डिमांड हो या अन्य चीज़ों की डिमांड हो, वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। कुछ हमारे साथ कपड़ा व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अंसार है। मोहम्मद अंसार है, क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है जी मेरी। कपड़े की दुकान है, लॉकडाउन से जिस तरह के हालात अब देखने को मिले हैं, तो किस तरह का व्यापार चल रहा है, क्या मानते हैं? कारोबार तो जी बहुत ठप चल रहा, कारोबार जो है कुछ नहीं है। आज दिवाली का त्यौहार चल रहा, देख लो आप मार्केट में कैसे पड़े ठाली बिल्कुल। और जो है आखिर कारण क्या है, कारण क्या है, किस चीज़ को इसका कारण मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, मतलब क्यों जो व्यापार है वो प्रगति नहीं कर क्या? सरकारी है इसकी जिम्मेदार तो जी, और कौन है? आखिर सरकार क्यों जिम्मेदार है, क्या मानते हैं? सरकारी है जी, महंगाई इतनी है, कारोबार नहीं है, और जो है किराया नहीं पट रहा दुकानदारों पे, कुछ नहीं हो रहा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिफ। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ये मेरे भाई की दुकान है। और मेरा मानना ये है, जैसे कि आप लोग महंगाई के ऊपर पूछ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई चरम पर है, सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप, गैस का दाम देख लीजिए, इसी तरह मार्केट खाली है, किसी के पास काम नहीं है, किसी भी आदमी के पास काम नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, नोटबंदी हुई थी, मतलब लॉकडाउन से पहले किस तरह का व्यापार आपका चल रहा था, किस तरह मतलब जो घर का व्यवस्थाएं थी उन्हें आप चाक चौबंद कर रहे थे, क्या क्या था? देखिए लॉकडाउन से पहले कुछ ठीक था काम, लेकिन लॉकडाउन के बाद में बिल्कुल काम डाउन हो गया, उससे पहले भी जब, लेकिन मेरा मानना केवल ये है जब से भाजपा सरकार आई है तब से ही लोगों का नाश हो चुका है अच्छे तरीके से। वहीं अन्य व्यापारी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोमिन। ये बताइए आप कपड़े का व्यापार करते हैं, तो किस तरह का व्यापार चल रहा है और किस तरह की मतलब जो महंगाई है उससे मतलब क्या क्या असर पड़ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा भाई, काम हिला कुछ नहीं है, मान लो ग्राहक भी नहीं है पूरे बाजार में, जब पैसा नहीं है लोगों के पास में तो ग्राहक नहीं है। दिवाली पर इस बार कैसा सीजन रहा है, किस तरह का मुनाफा इस बार रहा है? काम बिल्कुल ख़त्म रहा जी, दिवाली का कोई काम नहीं रहा, बस काम में मज़ा नहीं आया जी, बस कर रहे। देखिए एक और अन्य साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जी। ये बताइए अब हाल ही में जिस तरह से जो पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों में जो घटौती की गई है, दरों में घटौती की गई है, क्या उससे लगता है महंगाई कम होगी? अजी उससे कहाँ कम हो जाएगी, जीएसटी बढ़ा लग रही, रेट बढ़ा लग रहे कपड़े पे, हर चीज़ पे, गाहक है नहीं, क्वालिटी महंगी होती जा रही,
ऐसे में क्या लगता है, क्या उपाय आपके मन में आता है कि जो बस सरकार बदलनी चाहिए? मैं तो ये चाह रहा है सरकार बदलनी चाहिए। देखिए ये थे हमारे साथ कपड़ा व्यापारी हैं और वहीं बता दी आपको यहाँ पर जिस तरह से लोग परेशान हैं, लगातार कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हालांकि यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल के दामों में व डीजल के दामों में सरकार ने जो दरें हैं उनको घटाया है, उनसे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं है कि कह रहे हैं कि यदि पेट्रोल या डीजल के केवल कुछ दरें घटा दी जाएंगी उससे पूरी तरह से महंगाई कम नहीं होगी। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर अब ये रिएक्शन व्यापारियों को देखने को मिला है, तो इससे यही लगता है कि जनता परेशान है महंगाई से, वह जनता वह व्यापारी तमाम वर्ग बढ़ती महंगाई से परेशान है और दुखी हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में देखना यही होगा, क्या सत्ता परिवर्तन या सत्ता में दोबारा बीजेपी काबिज होने के बाद इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगा पाती है या नहीं। आज बात करेंगे महंगाई को लेकर। योगी सरकार ने जो पेट्रोल के दामों में गिरावट करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है, उससे क्या जनता संतुष्ट है? आइए जानेंगे जनता की जुबानी। वहाँ मेरे साथ काफ़ी लोग हैं बाजार में, आइए बात करेंगे। क्या नाम है? सोनम खान। सोनम जी, जानना चाहेंगे ये पेट्रोल और डीजल के दामों में जो गिरावट आई है उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। घर में लेके बहुत सब लोग दिक्कत होती है। मेन बात तो खाने पीने की सारी चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं, बहुत ज़्यादा, आज से ज़्यादा। तो क्या करना चाहिए सरकार को ऐसा, अगर उन्होंने ये करना चाहिए ना कि कम रेट करना चाहिए। लॉकडाउन जब से बढ़ा, एक तो लॉकडाउन बढ़ गया, ऊपर से लॉकडाउन लगा तो इतनी परेशानी आ गई लोगों के, घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। मतलब संतुष्ट नहीं है आप ये तेल में जो गिरावट आई है? बिल्कुल भी नहीं, इस सरकार से तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सरकार हमेशा महंगाई बजट इतनी महंगाई कर दी है कि हद से ज़्यादा महंगाई हो रही है। वही मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? जी सिमरन खान। जानना चाहेंगे ये पेट्रोल के दामों में जो गिरावट हुई है उनसे क्या संतुष्ट हैं आप लोग? क्या उससे महंगाई कम होगी? नहीं, महंगाई से कम तो नहीं हुई, लेकिन इसमें तो कम हो गया, लेकिन और चीज़ों में बढ़ गया है। जैसे क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसा करना चाहिए, कम करना चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए। क्या संतुष्ट हैं आप सरकार के इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि काफ़ी निम्न तबके के हैं, क्या वो इससे संतुष्ट हैं? आइए बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की है, क्या संतुष्ट हैं इससे? क्या महंगाई जाएगी? अरे महंगाई क्या जाएगी, तेल और उसमें कम करने से पैसे कोई थोड़ी नहीं हुआ, खाने पीने की वस्तु कुछ कम किया जाए पैसे तो सही भी है। गाड़ी चलाते हैं आप? जी नहीं, हमारे पास गाड़ी का फुटपाथ बैठे हुई है, गाड़ी कहाँ से आएगी? तमाम और ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए बात करेंगे। एक टेम्पू चालक है मेरे साथ, भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद है। शायद जी, जानना चाहेंगे यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की है, क्या इससे महंगाई कम हुई है या ना, होगी? ना महंगाई कम नहीं हुई है और महंगाई बढ़ी रही है आगे से। क्या संतुष्ट हैं सरकार के इस फैसले? ना संतुष्ट नहीं है। फिर किस तरह से महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को? कम इस तरह करना चाहिए जो ऐसा गरीब आदमी भी स्वयं चुकंदर खाता रहे अपने, अगर पेट्रोल अगर गाड़ी चला रहा है आदमी 100 रुपये लीटर डलवाएगा पेट्रोल तो काफ़ी महंगाई पड़ रही है, इतना कमा ही रहा पेट्रोल कहाँ डलवाएगा आदमी। तमाम और लोग मेरे साथ ऐसे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग खरीदारी के लिए आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या। भैया खरीदारी करने आए हैं? जी खरीदार, बच्चों का जो स्कूल का ड्रेस का जूता लेने आए हैं। भैया जानना चाहेंगे यूपी सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की है उससे क्या संतुष्ट हैं? क्या महंगाई कम हुई है? ना महंगाई कम नहीं हुई उससे और क्या, और चीज़ों में महंगाई कर रखी है तो आटा है, चावल है, घी है, उसमें कम करें पैसे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस महंगाई को जो कम किया गया है पेट्रोल और डीजल के दामों को? जी इससे कोई संतुष्टि नहीं हुई है इससे, या हम तो ऑटो से आए हैं। वाहन चलाते हैं आप? जी वाहन चलाते हैं, तेल कहाँ से भरवाओगे? गाड़ी है आपके पास? जी है, गाड़ी कहाँ से, तेल नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।